आप सभी ने टाइम ट्रैवलिंग की घटनाओं के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। खैर ये बात तो अभी कंफर्म नहीं हो पाई है कि टाइम ट्रैवलिंग करना वाकई में एक सच बात है या नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जो टाइम ट्रैवलिंग को सच साबित कर देती है, यानी कि टाइम ट्रैवलिंग करना सच में हो पाता है, तो उस वक्त की दुनिया कैसी होगी, क्या क्या बदलाव आएंगे टाइम ट्रैवलिंग की वजह से, ये आज हम अपने चैनल के अंदर इस वीडियो में कल्पना करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। टाइम ट्रैवलिंग यानी कि समय यात्रा, यानी कि जब कोई समय में यात्रा करने वाली टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उसके बाद कोई भी बंदा प्रेजेंट से पास्ट में या प्रेजेंट से फ्यूचर में या पास्ट से प्रेजेंट में या फ्यूचर के अंदर जा सकता है, यानी कि वो समय में यात्रा कर सकता है। टाइम ट्रैवलिंग मशीन के आ जाने से एक इंसान के जीवन में दो तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे, एक तो अच्छे और दूसरे बुरे। तो हम पहले अच्छे बदलावों के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन एक इंसान के लिए किस तरह से बेनिफिशियबल रहेगी, ये बात हम पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर किसी इंसान के जीवन में कोई एक्सीडेंट हुआ है या उसे कोई हार मिली है या फिर वो किसी एग्ज़ाम के अंदर या किसी बिजनेस के अंदर फेल हुआ है तो वो अपने पिछली ज़िंदगी में जाकर उसे सुधार सकता है। अगर किसी इंसान के जीवन में कोई अच्छी यादें हैं जिन्हें वो बार बार जीना चाहता है तो उन्हें वो अपने टाइम ट्रैवलिंग मशीन की मदद से पीछे ज़िंदगी में जाकर बार बार उन्हीं ज़िंदगियों को जी सकता है, उन यादों को दोबारा जी सकता है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे हिस्ट्री से ज़्यादा लगाव है, यानी कि एंशेंट हिस्ट्री, यानी किसी राजा के टाइम पीरियड में जाकर या फिर उसके शासनकाल को अगर वो जीना चाहता है या फिर उसे देखना चाहता है तो वो जाकर उसे देख सकता है। हिस्ट्री में जो चाहे जिसे चाहे वो जाकर देख सकता है। अगर किसी इंसान को कोई बीमारी हुई है तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एक बीमारी की कोई एक वजह होती है तो वो अपनी उस वजह को पीछे हिस्ट्री अपनी ज़िंदगी में जाकर सुधार सकता है, यानी कि कोई इंसान फिर बीमार भी नहीं होगा। जैसे ही आपको बुढ़ापा आने वाला होगा आप अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सकते हैं, 20-25 साल वापस अपनी ज़िंदगी में लौट कर आ सकते हैं, यानी कि आप सदा जवान रहेंगे, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, ज़िंदगी में सफलता ही सफलता रहेगी। अब जब एक ऐसी मशीन है तो जाहिर है दोस्तों हर कोई इस मशीन को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, यानी कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा लक्ष्य टाइम ट्रैवलिंग मशीन को प्राप्त करना हो जाएगा और लगभग हर इंसान के पास टाइम ट्रैवलिंग मशीन होगी, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। तो दोस्तों ये थे इसके बेनिफिट्स, कैसे लगे ज़रूर कमेंट में बताएं, और इसके अगर बैड इफ़ेक्ट्स जानने हैं तो भी कमेंट्स में ज़रूर आकर बताएं। दोस्तों आपको एक बात पहले बता देते हैं, इनके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं, इतने ज़्यादा हैं जो हमारी कल्पना के परे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।